पाकिस्तान में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो सकता है। खबर है कि नवाज शरीफ की कुर्सी खतरे में है। पाकिस्तान में भ्रष्टाचार के आरोपों में सेना के 11 उच्च अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिसके बाद अब भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे नवाज शरीफ के तख्ता पलट की अटकलें तेज होती दिखाई दे रही है। क्या पाकिस्तान में नवाज सरकार का तख्ता पलट होने वाला है? क्या नवाज शरीफ की कुर्सी खतरे में है? करोड़ों के गबन का आरोप झेल रहे नवाज शरीफ की सत्ता पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल सेना प्रमुख राहिल शरीफ ने भ्रष्टाचार के आरोप में 11 अधिकारियों की छुट्टी कर दी, जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे नवाज शरीफ को जवाबदेही की सीख देने के लिए ही सेना की तरफ से ये कदम उठाया गया है। कुछ वक्त पहले भी सेना प्रमुख ने हर स्तर पर जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए कहा था, जब तक भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म नहीं किया जाता, आतंकवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ाई स्थायी शांति और स्थिरता नहीं लाई जा सकती। राहिल के इस बयान के बाद बड़े स्तर पर उच्च अधिकारियों को हटाने का फैसला एक राजनीतिक पहलू के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके जरिए नवाज शरीफ को संदेश दिया गया है कि अब वो अपनी जवाबदेही तय करें। अब आपको बताते हैं कि आखिर नवाज शरीफ पर क्या आरोप लगे हैं, जिसकी वजह से उनकी कुर्सी खतरे में आ गई है। पाकिस्तान में नवाज शरीफ काफी वक्त से सवालों के घेरे में हैं। वैसे नवाज ही नहीं, उनके बेटे और बेटी पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। नवाज शरीफ पर कारोबार के जरिए करोड़ों का काला धन जुटाने का आरोप है। पाकिस्तान के कई शहरों में नवाज शरीफ की अवैध संपत्तियां हैं। काले कारोबार से नवाज पर 1 करोड़ रुपए जुटाने का भी आरोप है। नवाज परिवार की कुल संपत्तियां 4,000 करोड़ हैं। पनामा पेपर्स खुलासे में भी नवाज परिवार का नाम शामिल था। पनामा पेपर्स के खुलासे के बाद से ही अब नवाज इतने कमजोर हो गए हैं कि इतने लंबे सियासी करियर में पहली बार उन्होंने खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप पर देश को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने खुद को पाक साफ करने की कसम भी खाई है। पाकिस्तान में सरकार से ज्यादा सेना हावी है। ऐसे में सेना प्रमुख के इस कदम से नवाज शरीफ को सीधा संदेश जाता है कि एक बार फिर उन्हें सत्ता से बेदखल किया जा सकता है।